नमस्कार, आप देख रहे हैं डेयरिंग रुड़की। आपको बताएं, रामनगर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खड़े हैं। आपको बताएं, आज पूरे देश के जो बच्चे हैं स्कूल के, इंटर कॉलेज के, उनको आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा को लेकर चर्चा की गई और बच्चों को मोटिवेट किया गया कि तनाव मत लें और किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लेके अपनी जो परीक्षा है उन्हें दें। इस चीज को लेकर आज यहां पर कार्यक्रम किया गया, बच्चों को लाइव दिखाया गया मोदी जी का। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट, नगर विधायक प्रदीप बत्रा और साथ में जिला अध्यक्ष व कार्यक्रम के जो संयोजक है, सह संयोजक हमारे गौरव कौशिक जी और संयोजक सौरभ जी हमारे साथ हैं। और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज मोदी जी ने बच्चों को परीक्षा की चर्चा पर जो कार्यक्रम जो था उसको लेकर उनको मोटिवेट करा, उनको जागरूक करा। देखिए, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का एक छठा एपिसोड था और देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जब भव्य स्वरूप लेने लगा तो हम सब ने निश्चय किया कि इन कार्यक्रमों को हम लोग बड़े विद्यालयों में करेंगे, बड़ी संख्या में करेंगे। और आज क्योंकि अभिभावक की भूमिका में मोदी जी हैं, इसलिए विद्यार्थियों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसलिए उनसे बातों को साझा करते हुए कैसे हम सब लोग भविष्य की सब चिंताओं से दूर रहें। और परीक्षा ये कोई चिंता का विषय नहीं है, परीक्षा सफलता का केंद्र बने। तो जो ऐसे विषय थे जिन विषय पर छात्र टेंशन में रहता है, अभिभावकों की अलग टेंशन थे, उस सब के समाधान के बहुत अच्छे उन्होंने आज यहाँ पर विषय रखे, उन विषयों पर सभी छात्र चलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, बात की जा रही है परीक्षा की, और बात परीक्षा की जाए तो जिस तरह से हम देख पाते हैं कई बच्चे हैं जो परीक्षा देते हैं लेकिन अपनी परीक्षा को लिए चिंतित रहते हैं, तनाव में रहकर कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं, उस चीज़ को लेकर आप कहते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि इन सारे विषयों पर जब देश के मुखिया और देश के गार्जियन जब बच्चों के साथ चर्चा करते हैं तो सब भाव से बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है। और क्योंकि परीक्षा को एक बर्डन के रूप में न लें, परीक्षा समाधान का साधन बने, इस भाव को लेकर मोदी जी ने आज बहुत सारे विषय किए हैं। तनाव मुक्त परीक्षा हो और किस तरीके से उसको हम तनाव मुक्त किए जा सकते हैं, सारे बहुत से विषय मोदी जी द्वारा रखे गए। मुझे पता है कि वास्तव में इस बात को मैं समझता हूँ कि आज तनाव कारण ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रेशर परिवार की ओर से आ जाता है, विद्यार्थियों पर आ जाता है, घर छोड़ के चले जाते हैं, आत्महत्याएँ कर रहे हैं। इन सारे विषयों से हटकर मोदी जी ने जो समाधान के जो विषय बताए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है। इससे जहाँ ज्ञानवर्धन होगा वही इस प्रकार की जो अनसिक्योरिटी जो मन में रहती है छात्र छात्राओं के वो भी दूर होंगे। तनाव की बात कर रहे हैं, तनाव उन युवाओं में भी देखा जा रहा है जो अभी तनाव उत्तराखंड सरकार में लगातार जो भर्तियों में घोटाले पाए गए, जिन युवाओं ने इस भर्ती में भाग लिया उनकी परीक्षा रद्द हो गई, उन बच्चों के मन में उनके दिमाग में तनाव रहता है, उस चीज़ को लेकर आप कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, मैं इस बात के स्वरूप में कह रहा हूँ कि देखिए, इस प्रदेश के अंदर जब से राज्य बनाओ ज्योति परीक्षाएँ हुई हैं केवल चर्चाएँ होती थी और ये माध्यम बन गया था किस प्रकार से नकल कराकर किस प्रकार से परीक्षा रिजल्ट को एक प्रकार से उसको दिग्भ्रमित करना, ये सारा माहौल बना हुआ था। लेकिन आज जब कोई विषय उठता है उसको संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने का जो काम पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, मैं कह सकता हूँ उसे युवाओं के अंदर विश्वास खड़ा हो रहा है। प्रश्न एक परीक्षा रद्द होने का नहीं, प्रश्न कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के घटनाक्रम होते थे उनको ऐसी सजाएं दी जाएं। अभी कहा ना 10 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएगा, उसके आजीवन कारावास, जब ऐसा कानून आएगा तो इस सब चीज़ से व्यक्ति बचेगा। और इस बड़े कानून को लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार कर रही है। तो ये कार्रवाई जो उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाले के दोषी उनको भी हो पाएगी सर? सब पे होगी ना, उसके लिए कानून बन रहा है, कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। चलिए, कानून बन रहा है, उन पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ विधायक प्रदीप बत्रा जी भी हैं, जिलाध्यक्ष आपसे बात करें, सर आप बताइए क्या करना। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बच्चों ने बड़े शौक से देखा, चौक से देखा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जो संकल्प दिया और जो बच्चों को मूल मंत्र दिए, मैं समझता हूँ कि बच्चों में उससे आमूलचूल परिवर्तन आएगा और बच्चे जो परीक्षा में जा रहे हैं उनका परीक्षा सफल होंगी और बच्चे जो है बिना तनाव की परीक्षा में जो है जाएंगे और देश का भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनका आज मोदी जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया और बच्चों की समझ में भी आया और बच्चे, मैं समझता हूँ कि उसका अनुसरण करेंगे और पालन करेंगे। सर, शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर अगर हम देखें तो कई विद्यालय ऐसे हैं जिनका रख रखाव सही नहीं है, उनकी जो सुविधाएं वो पूरी नहीं है, उस चीज़ को लेकर सरकार कहां तक सही? सरकार लगातार कटिबद्ध है, आप देखिए जिस विद्यालय में आप खड़े हैं कितनी अच्छी व्यवस्थाएं यहां पर हैं, वर्चुअल बैठक यहां पर व्यवस्था है, यहां क्लासरूम बहुत सुंदर है, फर्नीचर अच्छा है, ये सभी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था चल रही है और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई बच्चों की, और बच्चों को एक मानसिक तनाव से मुक्त होकर बच्चे एक खुले माहौल में जो है जीना जी रहे हैं और उनका विस्तारीकरण भी हो रहा है। कई सामाजिक संगठन स्कूलों को फर्नीचर वगैरह दान में देते हैं, वो उपलब्ध करवाते हैं बच्चों की सुविधाओं के लिए, लेकिन वो कई लोग बोलते हैं कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही वहाँ तक। देखिए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास,
जो मूल मंत्र है मोदी जी का, उसके तहत ही सभी लोग सहयोग करते हैं। जब तक सभी की सहभागिता देश की तरक्की में नहीं होगी तो मतलब तक कोई कार्यक्रम सफल नहीं होगा। इस तरह जो एनजीओ हैं वो अगर आगे बढ़कर नहीं आएंगे तो कैसे देश तरक्की करेगा। एक केवल प्रधानमंत्री और एक केवल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है प्रदेश को आगे बढ़ाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष शुभाराम प्रजापति जी भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, संगठन के द्वारा ये बहुत ही अच्छा ये जो निर्णय लिया गया था प्रदेश संगठन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ जो मिलकर काम कर रहे थे, ये 20 दिन से लगातार जो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जो था हर स्कूल में आयोजित किया गया था, उस चीज़ को लेकर आप कहाँ तक सोचते हैं? इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के बच्चों को अपना बच्चा मानकर जो चीज़ अभिभावक के भी मन में नहीं आई थी वो उन्होंने इस टेंशन को दूर किया। और मेरे प्रधानमंत्री ये कह उन्होंने जो संदेश दिया, अभी आपने भी सुना होगा कि परीक्षा को टेंशन ना ले, उत्सव मनाकर जाए, हंसते हुए जाए, मुस्कुराते हुए वापस आए परीक्षा से। चलिए, बिल्कुल जी की जो पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स वो भी बच्चों को यहाँ दी गई है। हमारे साथ गौरव कौशिक जी भी हैं, संयोजक सर क्या कह देंगे? एग्जाम वॉरियर किताब इसलिए दी गई है कि बच्चे उसे पढ़ें, और जो उद्देश्य इस कार्यक्रम को चलाने का था कि तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें जिससे कि उन्हें सफलता भी मिलेगी और जो एफिशिएंसी एक स्टूडेंट की होती है कहीं ना कहीं वो आपको बढ़ी हुई दिखेगी और देश प्रगति की ओर भी चलेगा क्योंकि युवा पीढ़ी अब तनाव से मुक्त होने वाली है। इस कार्यक्रम संयोजक जिला संयोजक बनाए गए थे सौरभ जी हमारे साथ हैं, सर क्या कहना चाहोगे? सर दीपक जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद कि आप लोगों ने आकर यहाँ पर इस कवरेज को किया। बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, किसी भी घर में बच्चे होते हैं, बोर्ड के पेपर हों चाहे नॉर्मल पेपर हों, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। ऐसे में हमारे जननायक माननीय मोदी जी ने ये मैसेज दिया है कि वो सबसे कंसर्न हैं, सबके निकट हैं और हर चीज़ को समझते हैं, और बच्चों को इस तनाव की घड़ी में उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया है। पे चर्चा का जो कार्यक्रम मोदी जी लाइव यहाँ पर थे और जो बच्चे कार्यक्रम में उपस्थित थे उनसे बात करेंगे कि भाई मोदी जी ने उनका जो भाषण था वो सुना। आज मोदी जी लाइव आए थे, परीक्षा पे चर्चा पे कार्यक्रम था, मोदी जी ने क्या कहा, क्या समझाया, कुछ पता है? मोदी जी ने हमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें टैकल कर सकते हैं, किस तरह से जो भी फिलहाल जो भी 10th और 12th में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है उनके लिए वो होता है एग्ज़ाम का बर्डन। उन्होंने वही चीज़ बताई है कि किस तरह हम उस एग्ज़ाम के बर्डन को कम कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एक फनी तरीके से पढ़ सकते हैं, राधा दान हम उसको एक अपने ऊपर प्रेशर ले। तो वही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी जो उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं और जो उन्होंने बताया है कि किस तरह से अपनी पढ़ाई की जो प्रेशर है उसको प्रेशर को कम करके हम पढ़ाई को समझ समझ के पढ़ सके, वो ही सब उन्होंने बताया। उसने बोला कि सोशल मीडिया से बच्चों को बिल्कुल तनाव मुक्त मिलती है और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, उस चीज को लेकर उन्होंने बताया है कि हम टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है लेकिन हम लोग जो टेक्नोलॉजी आज हमारे लिए है टेक्नोलॉजी हम उन्होंने बताया कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं या टेक्नोलॉजी ज़्यादा स्मार्ट है। उन्होंने कहा है कि हमें जो भी हम अपने गैजेट्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको स्मार्टली तरीके से हमें यूज़ करना है। हमें जो गैजेट जो टेक्नोलॉजी है हमें उनके एक तरीके से उनका गुलाम नहीं बनना है, हमें अपने हिसाब से स्मार्टली उन चीज़ों को यूज़ करना है, किस तरह से हम उसको अपने एक एडवांटेज लेना है, उसके लिए उसको डिसएडवांटेजेस के लिए यूज़ नहीं करना है, उसको अपनी स्टडी के लिए किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सर मेरा नाम आर्यन कुमार है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। सर मोदी जी ने जो बात कही है वो सारी सही कही है कि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों पे काफ़ी प्रेशर होता है क्योंकि बच्चे या तो पढ़ लें या फैमिली पे ध्यान दें क्योंकि फैमिली प्रेशर भी काफ़ी होता है स्टूडेंट्स पे। लेकिन सर ने बात सही कही है कि हमें एग्ज़ाम के टाइम पे मेंटेन करके चलना चाहिए अपनी स्टडीज़ को लेके, और टीचर जो हमारे अध्यापक हैं वे हमें सहायता देते हैं कि तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये काफ़ी हद तक सही है कि मोदी जी ने हमें सही वो राह दिखाई है कि हमें ऐसे ही करना चाहिए अपने काम, हमें अपनी स्टडीज़ पे प्रॉपर वो करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी स्टडीज़ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी स्टडी अच्छी तरह से करनी चाहिए। हमारे जो अध्यापक हैं वे पूरा एफर्ट डाल रहे हैं अपनी तरफ से तो हमें भी उतना आउटपुट उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि टीचर्स हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स से कोई अच्छा इंसान बने फ्यूचर में आगे, क्योंकि हमारे अपने सबके एम्स हैं हमें कंप्लीट करने होंगे फ्यूचर में आगे ताकि हम अच्छे इंसान बन सके, हमारे पेरेंट्स हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि कभी जो टीचर्स हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशराइज होते हैं, कभी आपको लगा? सर ऐसा होता तो नहीं है पर हाँ कभी कभी स्टूडेंट ऐसा सोच लेता है कि टीचर अगर उसे डांट रहा है तो शायद उस पर प्रेशर डाल रहा है स्टूडेंट से, पर ऐसे नहीं होता, वो उसके फ्यूचर के लिए स्टूडेंट को डांटते हैं, ऐसा नहीं होता कि टीचर अपना पूरा एफर्ट डाल रहे कि स्टूडेंट अपना अच्छा आउटपुट दे पाए। हाँ वो डांटता है, ऐसा करना पड़ता है, पेरेंट्स भी हमारे ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा सही है, हमें ऐसे उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए ना कि नेगेटिव वे में।
हमें अपनी स्टडीज़ पे पूरा फोकस करना चाहिए, जो हमें टीचर कह रहे हैं हमें उसे अच्छा ध्यान से सुनना चाहिए। यही सर मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी अच्छे से करनी चाहिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड माई स्कूल नेम इज़ CSPS। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें बच्चों ने उत्साह भर तरीके से किया और मोदी जी के द्वारा बताए गए टिप्स पर चर्चा की गई।